नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों 24 और 25 मई को पूछे गए जो सीएचएसएल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग जानेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं, आप लोग के फीडबैक पर, आप लोग जो लोग दे करके आते हो एग्जाम उनके आधारित, उनके जो बताए गए क्वेश्चन हैं उन पर आधारित है। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से तैयार करना है और किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनको अगर आप तैयार करके जाते हो तो लास्ट टाइम भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो ना सिर्फ हम लोग एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये कल के क्वेश्चन अभी शुरू हो रहे हैं, अभी 24 मई के क्वेश्चन हैं, आगे चल करके 25 मई के क्वेश्चन होंगे। तो कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कब पारित हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस अधिवेशन पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छा खासा, क्योंकि इसके पहले पहले अध्यक्ष कौन हुए, ठीक है, पहली अध्यक्षता किसने की, स्थापना किसने की थी, जैसे स्थापना इसकी की थी ए ओ ह्यूम ने, पहली बार अध्यक्षता किसने की, डब्ल्यू सी बनर्जी ने, व्योमकेश चंद बनर्जी ने, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, महात्मा गांधी जी कौन से में अधिवेशन में भाग लिए, इसके बाद फिर 1924 में ये बेलगामी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे, इसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा कब दिए, ठीक है ना, 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस जी रहे, 1938 में पूरा रहे, 39 में भी चुने गए थे लेकिन इस्तीफा दे दिए थे। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस अधिवेशन से आप याद रखेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ, पहली बार महिला कौन बनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। इस पर वीडियो बनी हुई है और जो लोग पेड ग्रुप पेड कोर्स लिए होंगे तो उनको तो मिल ही जाएगी आराम से। अगला, जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, किस पार्टी से हैं, तो आप बताएंगे कि ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, डेमोक्रेट पार्टी से हैं, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप, वो 45वें नंबर के थे, 44वें नंबर के बराक ओबामा थे, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाइडन ये तो है प्रेसिडेंट, और कमला हैरिस दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट हैं, कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों को दोस्तों टाइम मैगजीन ने कवर किया था 2020 में, 2021 का टाइम मैगजीन पूछा गया था, 2021 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर थे एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस टाइम पर, तो याद रखिएगा 2020 में इन दोनों को कवर किया गया था, क्लियर है। अच्छा, ब्यूटीफुल थिंग्स नाम की एक पुस्तक आई थी, ब्यूटीफुल थिंग्स ये जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने लिखी थी, और हंटर बाइडन अभी चर्चे में आए थे, उन पर आरोप लगा था रसिया को सपोर्ट करने का, ठीक है। चलिए तो अगला, यहाँ पर फाइनेंशियल बिल कौन पारित करता है, वित्त मंत्री पारित करता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 फरवरी को, मैंने आपको पूरा बजट पर वीडियो ही 2-3 बना करके दे दी थी, वित्त मंत्री ने कौन सा बजट कैसा पेश किया, डिजिटलाइज बजट इस बार भी पेश किया था इन्होंने। एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद 1 फरवरी को बजट आता है। इस बार के बजट में क्या क्या खास है ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, आप वीडियो सर्च करिएगा मिलेगा आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार राफेल नडाल ने जीता दोस्तों, स्पेन के ये रहने वाले हैं और इनके नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड हो गया है, 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, बाकी 20 ग्रैंड स्लैम तो 3 लोग पहले जीते हुए थे लेकिन ये 21वां जीत गए। कौन दो लोग और बचे हुए हैं 20-20 पर, तो एक तो है रोजर फेडरर, दूसरे हैं दोस्तों कौन, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो राफेल नडाल ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है फिलहाल के लिए। लज्जा के लेखक पूछा गया था, तो तस्लीमा नसरीन है लज्जा पुस्तक की लेखक, पुस्तकें और लेखकों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है, ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है, मैंने आपको बताया था खिलाड़ियों की जो आत्मकथा होगी ऑटोबायोग्राफी होगी वो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की पूछा जाए तो आप बताएंगे प्लेइंग इट माई वे, इसके बाद अगर पूछा जाए विश्वनाथन आनंद की तो आप बताएंगे कि माइंड मास्टर, और सुरेश रैना की अभी आई थी तो आप बताएंगे बिलीव, उसके बाद फिर अभी स्टार गेजिंग आई थी रवि शास्त्री की, ठीक है, विनोद राय की पुस्तक आई थी कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, तो ये सभी पुस्तकें आप याद रखेंगे जो खेल से संबंधित हैं। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर पूछा गया था, तो चौथे तीर्थंकर ने दोस्तों अभिनंदन जी, अगर पहला तीर्थंकर पूछा जाए तो आप बताएंगे ऋषभ देव जी जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, दूसरे तीसरे ही अमूमन पूछा जाता है और 23वां 24वां पूछा जाता है, लेकिन इस बार चौथा पूछ लिया, उसे भी अच्छे से पता था कि लोग टॉप 3 पढ़ते हैं और लास्ट के 2-3 पढ़ लेते हैं, चौथा पूछ करके देखते हैं, तो यहाँ पर अभिनंदन जी था, ठीक है, लेकिन इसको आप जो लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसमें सॉल्व किए होंगे यानी कि ऑप्शन के माध्यम से एलिमिनेट किए होंगे
तो एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लिए होंगे। तो यही होता है कि अगर आपको बाकी के तीन ऑप्शन के बारे में पता है तो जो ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो उसको आप सही कर सकते हो, ठीक है, अगर वो बाकी के तीनों ऑप्शन नहीं सही है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, दूसरे अजीत नाथ, तीसरे संभव नाथ हुए, और चौथे हुए अभिनंदन जी, ठीक है, इसके बाद सुमत नाथ हुए, ऐसे ऐसे करके 24 तीर्थंकर हुए। 24वें और आखिरी तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। इनके बाद फिर ये तीर्थंकर वाली प्रथा खत्म हो गई। इनसे पहले पूछा जाता है 23वें कौन थे, तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ये 30वें तीर्थंकर थे। क्लियर। हॉर्नबेल फेस्टिवल पूछा गया था, तो हॉर्नबेल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, उड़ीसा हो, इन सब के महोत्सव, इन सब पर मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, और जो लोग करंट अफेयर फॉलो करते हैं डेफिनेटली इसको सही करके आएंगे। दुधवा नेशनल पार्क, ये तो रोज बताया जाता है आपको, उत्तर प्रदेश में स्थित है और आई थिंक इसको सभी लोग कर भी लिए होंगे। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में, किसके किसके बीच में? हुमायूं और किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में। चलिए अगला, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में हुआ था। किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो कुशवंत सिंह ने लिखा है। ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो इनको भरतनाट्यम के लिए मिला, भरतनाट्यम के ये नटराजन जो है ये नर्तक है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। जब जब एनसीईआरटी आता है आपको बताया जाता है। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन अभी बनी है माधवीपुरी बुच, इसको तो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला, पहली, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, इस पर खास तौर से मैंने दो वीडियोज दी हैं, इसको जरूर देख करके जाना। आपका दो क्वेश्चन कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल आप 100% श्योर हो जाना कि दो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं उसमें। भारत का, विश्व का और दुनिया का क्या सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा है, सबसे पहले है, पहला, पहली, पहले क्या है, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो जरूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप वो वीडियो सर्च करके जरूर देखिए, भारत में पहला या दुनिया में पहला, आगे MZT एजुकेशन लिख दीजिएगा, मिल जाएगी वीडियो। देखो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप तैयार कर सकते हो। मैं साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, जिससे आप स्कोर ज़्यादा ज़्यादा कर पाओ। देखिए फिर पुस्तकें लेखक पर आ गई, पुस्तक स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति राय की है, और अरुंधति राय एक बड़ी राइटर हैं, और बड़ी राइटर से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। किस भारतीय संगीतकार को भारत के सभी सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिविलियन अवार्ड बोले तो नागरिक सम्मान। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होती है। आप कक्षा 9 से इसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कक्षा 9-10 में ही नागरिक शास्त्र जो होता है उसमें दिया जाता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, न्यायपालिका। अगला, आवर्त सारणी में 3 प्रमाण क्रमांक किसका होता है? लिथियम का होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आवर्त सारणी पर मैंने वीडियो दी थी, आप लोग उसको अच्छा खासा प्यार भी दिए, 1.5 मिलियन प्लस व्यू है उसमें, उसको अगर आप देख लेते हो तो आवर्त सारणी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल फिकर नॉट होकर के जाइए, और उसमें आधी केमिस्ट्री मैंने कवर करा दी है एक ही वीडियो में। तो जाइए, बाप ऑफ ऑल वीडियो केमिस्ट्री की, इसमें बाप ऑफ ऑल वीडियो के नाम से है अवेलेबल, चैनल पर जाइएगा, फ्रंट पेज पर ही मिल जाएगी। मैदान का, हॉकी के मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 51.4×55 मीटर का होता है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? फुटबॉल के मैदान का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रिकेट का तो रैंडम होता है, फुटबॉल का पूछा जा सकता है, टेनिस का पूछा जा सकता है, इसके बाद बैडमिंटन का पूछा जा सकता है, साथ ही साथ खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा सकती है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, वॉलीबॉल में कितने खेलते हैं, क्रिकेट में कितने खेलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कौन सा खेल से संबंधित जो छोटे छोटे वर्ड आते हैं, ठीक है, उनका संबंध किस खेल से है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लेना। अच्छा अगला, रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था रश्मि देसाई का जन्म। किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? प्रशांत महासागर, एवरीवन नो। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ये तो ऑप्शन पर आपको डिपेंड होना था, यहाँ पर ऑप्शन में जो भी कोई होगा तो साउथ, ये तो गलत लिखा हुआ है। सार्क जो है ये 7 देशों का एक ग्रुप है दोस्तों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, तो इसका मेंबर कौन सा नहीं, ये तो आप ऑप्शन देख करके पता लगाओगे। ये 7 देश जो हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, 7 देशों में दोस्तों इसमें इंडिया भी है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो ये 7 देशों का नाम आप याद रखेंगे। कपड़े और बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग करे जाने वाले अपमार्जक क्या होते हैं?
सल्फोनेट होते हैं, ठीक, सल्फेट कह सकते हैं इसको, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने सहाय योजना शुरू की? सहाय योजना आपको बताया गया था दोस्तों, झारखंड सरकार ने शुरू की थी। जो ट्राइबल्स होते हैं और उनके उनके इलाके में दोस्तों शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये शुरू किया गया था सहाय योजना। राष्ट्रमंडल खेल जिसे कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका पहला आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। रॉ के विंग एग्जीक्यूटिव कौन है? रॉ यानी कि रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, इसके सामंत गोयल अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। आप परमाणु रिएक्टर्स कौन सा कहां पर है ये भी याद करके जाएंगे। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो तापसी पन्नू को दिया गया है। अब यहां से आपको याद रखना है कि फिल्म पुरस्कार को याद रखना है, फिल्म पुरस्कार, फिल्म अवार्ड। फिल्म अवार्ड में कौन कौन से हो सकते हैं? फिल्म अवार्ड में आप ऑस्कर याद करके जाना, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल याद करके जाना, ग्रैमी अवार्ड याद करके जाना, गोल्डन ग्लोब आपको याद करके जाना है, ठीक है ना। इसके अलावा बाफ्टा आपको याद करके जाना है, ये सब चीजें। ऑस्कर अवार्ड कौन जीता है? तो इस बार कोडा फिल्म जीती है ऑस्कर अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड कौन जीती है बेस्ट फिल्म? तो आप बताएंगे द पावर ऑफ द डॉग जीती है। तो ऐसे ऐसे आपको सब चीजें तैयार करके जानी है, ठीक है। दादा साहब फाल्के में बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई? शेरशाह सुनी चुनी गई है। यहाँ पर देखिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तेजी से खींच करके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गन पाउडर किसका मिश्रण है? नाइट्रेट सल्फेट और चारकोल का मिश्रण है, ठीक है। चलिए अभी शाम को 5 बजे क्लास होगी दोस्तों, और वही क्लास लेने जा रहा हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन आप लोग को ये वीडियो बना करके देना था उससे पहले, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको तेजी से तैयार कीजिए और अभी जस्ट 5 बजे वाली क्लास को लीजिए। उसमें हम लोग 2021 से लेकर के अभी तक का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वन लाइनर के रूप में, तेजी से हम लोग उसमें भी चल रहे हैं, तो उसको भी आप अच्छे से डेली फॉलो किया करो। तो आज 5वां एपिसोड आएगा शाम को 5 बजे, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? एलन मस्क को। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को दिया गया। स्वामी सच्चिदानंद ने कौन सा पुरस्कार जीता हुआ है? पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, ठीक है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, अब यहाँ से आप क्या क्या याद रखोगे? ब्यास सम्मान याद कर लेना, सरस्वती सम्मान याद कर लेना। ब्यास सम्मान किसे मिला है इस बार? असगर वजाहत को मिला है महाबली के लिए, महाबली के लिए। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को मिला है। किसे? प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को। ये सारी चीज़ें मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूँ, आप लोग को डेली फॉलो करना है चैनल को। अगर आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली कोई सभी क्वेश्चन मिस करके नहीं आओगे, ठीक है। रामदर्श मिश्रा को दिया गया है, किसके लिए मिला है? तो इनको मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ नाम का कविताओं का इनका संग्रह था, उसके लिए मिला हुआ है। प्राइड प्रोसीडियस एंड पंडित्री इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, सब कुछ पढ़ाया गया है आपको। BARC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। जो भी होता है आता है चीजें उसका हेडक्वार्टर आपको बताया जाता है, ठीक है। अगला 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डेमोट गुलगट को मिला है, कई बार बताया गया है। और इसके बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद करके चलिएगा। कर्नाटक के या जो भी राज्य आते हैं उनके नेशनल पार्क वगैरह भी आप पढ़ते चलेंगे। अधिस राशियां कौन सी हैं? फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन देख करके आप लगा लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो भी होगा, अगर इनमें से कोई होगा तो उसको आप लगा दिए होंगे, ठीक है। चाल, दूरी, आयतन, मतलब जहाँ पर दिशा की जरूरत नहीं होती केवल प्रमाण की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम, देखो थीम इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था जो थीम छोटी होती है वो पूछी जाती है। इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट, तो ये है इस बार की थीम। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगला है वर्ल्ड टैलेंट रैंक रिपोर्ट, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 56वें स्थान पर। देखो इंडेक्स और रैंकिंग भी पूछी जा रही है, तो इंडेक्स और रैंकिंग पर आपको वीडियो तो दी ही गई है, लेकिन अभी जो शाम वाली जो क्लास चल रही है सुपर फास्ट रिविजन, उसमें आप दोस्तों एपिसोड 2 देखिएगा। एपिसोड 2 में पहला या दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ कहानी के नुमा, यानी कहानी सुना करके आपको बताया हुआ है मैंने, तो उससे आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। अगर लास्ट टाइम पर आप चाहते हो कि कैसे क्विकली तैयार करें, तो आप ये 2 खोलिएगा, पार्ट 2 खोलिएगा, जो सुपर फास्ट रिविजन अभी शाम को 5 बजे वाली क्लास चल रही है सीरीज, उसमें पार्ट 2 जा करके खोज के खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी अपडेट के लिए MZT ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा, PDF क्विज वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी महीने की ईबुक हो, कोई भी ईयरली ईबुक हो, सारी ईबुक यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट की कोर्सेज चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, इकोनॉमी हो या फिर पॉलिटी हो, हिंदी हो, ठीक है ना, GS हो, NTPC स्पेशल GS हो, तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। आप जाकर के MZT ऐप से ले सकते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर इसे डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।